हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे बहुत अच्छे से होंगे और स्वस्थ होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ प्लीज़, अगर जो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दिखाते हैं कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। बहुत अच्छी सी डिश है, मैं बहुत दिनों पे बनाने जा रही हूँ। बहुत दिनों पे क्या, महीनों, हाँ महीना बोल सकते हैं, काफ़ी महीनों पे मैं बनाने जा रही हूँ। जो है कि ये चना, अंकुरित चना है ये, और इसी के अंदर मैं दो आलू काट के धो के काट ली हूँ और डाल दी हूँ। अंकुरित चना है, आप लोग देख सकते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो इसी की सब्जी मैं बनाऊँगी और इसकी रेसिपी मैं आप लोग को दिखाऊँगी। सारी तैयारी करके मैं रख ली हूँ। यहाँ पे मैं काट ली हूँ दो बड़े साइज़ के प्याज हैं ये, एक तेज पत्ता है, दो मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, चार से पांच लहसुन की कली है बारीक काट ली हूँ, एक इंच के करीब ये अदरक का टुकड़ा है, और दो हरी मिर्च है और दो सूखी मिर्च है। और ये अंकुरित चना ना बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद होता है बच्चों के लिए या बड़ों के लिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है। और सब्जी वब्जी या वैसे भी आप इसको भिगो करके खा सकते हैं काफ़ी। इसमें मैं डालूंगी सरसों का तेल। तो हमारा यहाँ पे तेल गरम हो चुका था, इसमें मैं डाली हूँ जीरा और थोड़ा सा मेथी का दाना, और बाकी ये तेजपत्ता, लहसुन, अदरक और मिर्ची सब डाल के, एक साथ ही डाल के, और प्याज डाल के इसको भून लेना है। तेल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था तो टाइम नहीं लगा है। और यहाँ पर जो मैं टमाटर रखी थी वो डालूँगी, थोड़ा सा प्याज ब्राउन कलर का हो जाए तो। उसके बाद से मैं हल्दी डाल दूंगी और नमक डाल दूंगी, और ये मिर्ची, मिर्ची में बहुत थोड़ा सा डाली थी, और धनिया का पाउडर एक चम्मच भर के डालना था मेरे को। और ये है मैगी मसाला, एक पैकेट में मैगी मसाला डाली हूँ, और इसको ढक के मैं पकाऊंगी। और इसको चलाते हुए हमें पकाना है, आप लोग देख भी सकते हैं कि बहुत अच्छा मतलब भून चुका था। और सबसे लास्ट में मैं डालूंगी गरम मसाला, और गरम मसाला दो मिनट के करीब, भूनने के करीब मैं डालूंगी ये चना और आलू। चने आलू को भून लूंगी मैं, पाँच मिनट के करीब चना आलू भूनी थी मैं ढक ढक के। उसके बाद से इसमें पानी डाल के पाँच से छः सीटी लगाऊंगी मैं इसको। और सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनी थी और कलर भी काफ़ी प्यारा आया था, आप लोग देख भी सकते हैं, कलर बिल्कुल बहुत अच्छा दिख रहा था, खाने में भी काफ़ी टेस्टी था। और यहाँ सबसे लास्ट में मैं डालूँगी हरा धनिया, हरा धनिया धनिया डाल दो तो काफ़ी अच्छा लगता है टेस्ट भी और देखने में भी। और यहाँ पे ना मैं खाना वाना खाने के बाद से ले, तो मैं अभी बच्चों को भेज दी हूँ ट्यूशन, अभी वो लोग गए हैं, तो अभी मैं काम कर रही हूँ, झाड़ू लगा ली हूँ, अब जा रही हूँ बर्तन धोऊँगी, उसके बाद से फिर मैं पोछा लगाऊँगी। वरना क्या है, पहले पोछा लगा लो फिर बर्तन धो ना, तो वहाँ पर पानी गिरता है, तो इसलिए पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ, सूखे सूखे रहता है, उसके बाद से फिर मैं बर्तन धोती हूँ तो थोड़ा गीला हो जाता है, तो पोछा लगाती हूँ तो सूख जाता है। तो मैं ऐसे काम करती हूँ। अभी बच्चे चले गए हैं तो तसल्ली से काम कर रही हूँ, वरना वो लोग होते हैं तो काम नहीं हो पाता है हमारा। तो हमारा बर्तन साफ़ हो चुका है और मैं पोछा भी लगा ली हूँ। अभी मैं बिल्कुल फ्री बैठी हूँ, बच्चे भी नहीं हैं, और अभी ठंड इतनी ज़्यादा पड़ने लगी है ना कि एक बार बिस्तर में जब आप घुसो ना तो फिर निकलने का मन नहीं होता है। आज मैं काफ़ी दिनों पे दिन में सो गई थी, मतलब आधा एक घंटे लेट गई थी बच्चों को अंदर करके ना, लेट गई थी, और बिस्तर में से बिल्कुल भी निकलने का मन नहीं हो रहा था। सुबह खाना खा लिए थे, चने की सब्जी बनाई थी और चावल ही बनाई थी, रोटी नहीं बनाई थी मैं, क्योंकि हस्बैंड को भी चावल ही चाहिए होता है और बेटी को भी चावल ही चाहिए होता है। तो फिर आज मेरा मन नहीं हुआ था रोटी बनाने का, तो रोटी नहीं बनाई थी मैं, और रात का दो तीन रोटी पड़ा पड़ा था, तो फिर मैं इसीलिए नहीं बनाई थी रोटी कि वही खा लेंगे, क्योंकि मैं खाना बहुत मतलब फेंकती नहीं हूँ मैं खाना, गर्मी रहता है तो नहीं चलता है। गर्मियों में क्या है, बचता है तो मैं फ्रिज में डाल देती हूँ, तो हम सुबह गर्म करके खा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हम नहीं खाएंगे बासी है ये, मैं तो खाना खा लेती हूँ बासी रहता है तो। और मैं लेट गई थी खाना खाने के बाद से, आपको आंखें भी सूजी सूजी लग रही होंगी, तो काफ़ी दिनों पे मैं लेटी थी। सर्दियों में क्या है, एक बार आप बिस्तर में जब घुस जाओ तो
निकलने का मन नहीं होता है। खाने पीने के मामले में तो अच्छा होता है, तरह तरह की चीज़ें आदमी बना के खा लेता है, साग वगैरह खूब मिलते हैं, लेकिन काम करने का मन नहीं करता है बिल्कुल भी। और पता है वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो कोई देखता ही नहीं है, लंबी वीडियो कोई नहीं देखता है। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ छोटी बने छोटी बने, फिर भी 7 मिनट 8 मिनट का ऐसे बन जाता है, 8-9 मिनट का, छोटा करते करते भी इतना बड़ा हो जाता है। तो अभी चलिए इस वीडियो का यहीं पे मैं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ग्रो नहीं कर पा रहा है, पता नहीं क्यों, मैं बहुत मेहनत करती हूँ उसके बाद भी पता नहीं क्यों नहीं ग्रो कर रहा है, यही नहीं समझ में आता है मेरे को। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ने में हमारी भी सहायता करिए ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।